दोस्तों लास्ट ईयर जब एप्पल का लॉन्च इवेंट हुआ था, देयर वाज टू प्रो थिंग्स व्हिच वर लॉन्च्ड. वन वाज आईफोन 11 प्रो एंड 11 प्रो मैक्स एंड द अदर वाज एयरपॉड प्रो. ये है एयरपॉड प्रो और आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर ऑलमोस्ट 6 मंथ्स नाउ. आई एम गोना टेल यू इज इट स्टिल वर्थ आफ्टर 6 मंथ्स. चलिए करते हैं. दोस्तों आप चैनल पर नए हैं और पहली बार अगर आए तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियोस को मिस ना करें. चलिए अब शुरुआत करते हैं एयरपॉड प्रो के डिटेल रिव्यू के साथ में. देखिए इस प्रोडक्ट को मैंने करीबन 6 महीने यूज किया है और आज मैं आपको मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ. हमेशा की तरह हम इस वीडियो को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे. वीडियो के पहले पार्ट में हम बात करेंगे इस प्रोडक्ट के पॉजिटिव पॉइंट्स की, यानी वो चीज जो काफी आउटस्टैंडिंग है आपको यहाँ पसंद आएंगी, और सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे इसके उन पॉइंट्स की जो डिसअपॉइंटिंग है और मुझे पसंद नहीं आए. एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो विल ट्राई डिसाइड अगर आपको इसे खरीदना है तो खरीदना चाहिए या नहीं, और अगर ये नहीं तो उसके अलावा आप और कौन से ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं. चलिए शुरुआत करते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ में. अच्छा इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इसमें अच्छा क्या है, वन थिंग विच यू शुड कंसीडर इज कि इसकी जो कॉस्ट है वो है करीबन 25,000 रुपए, और अगर आप इसे खरीदते हैं तो आफ्टर डील आफ्टर डिस्काउंट और कोई सेल वगैरह में भी जाने के बाद आपको एटलीस्ट ये 20,000 से 21,000 रुपए का मिलेगा. तो 21,000 रुपीज फॉर अ ब्लूटूथ वायरलेस ईट बट इज डेफिनेटली एक्सपेंसिव, तो आपको इससे एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा होगी. अब ऐसे में अगर बात करूँ कि इसमें आपको अच्छा क्या मिलता है, द फर्स्ट थिंग विच इज गुड इन दिस वन इज द डिजाइन इट सेल्फ. नाउ दिस इज समथिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम द एप्पल एयरपॉड जनरेशन 1, तो आई हैव नेवर यूज द जनरेशन 1. रीजन बिंग कि मेरे पास ये पुराने एप्पल के वायर्ड ईयरफोन्स है और इनका जो डिजाइन है ये वाला, ये कहीं ना कहीं मुझे प्लास्टिक डिजाइन ज्यादा पसंद नहीं आता. रीजन बिंग कि मुझे ये एक कम्फर्ट फिट नहीं लगता, एंड दैट्स द रीजन मैंने कभी भी एयरपॉड नहीं खरीदा. और उसी के बाद में व्हेन एयरपॉड प्रो वाज लॉन्च्ड आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज इसमें आपको एक अच्छा डिजाइन मिलता है एंड देन यू आल्सो गेट दिस सिलिकॉन टिप व्हिच इज समथिंग गुड, और आपको यहां पे एक बढ़िया फिट मिलेगा. एंड देन यू कैन आल्सो चेंज दिस टिप्स, आपको यहां पे अलग अलग साइज मिलेंगे आपके हिसाब से आप इसको चेंज करें और आपके लिए एक परफेक्ट फिट आपको यहां पे मिलने वाला है. तो डेफिनेटली अ गुड फिट इन दिस वन. और उसी के अलावा इसका जो डिजाइन है ये काफी छोटा और कॉम्पैक्ट है, आप इसको पॉकेट में रखें कहीं भी निकल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. और उसी के अलावा यहाँ बैटरी भी काफी अच्छी मिलती है आपको. सो दिस हैज ऑलमोस्ट लाइक 24 आवर्स ऑफ टोटल बैटरी ऑन अ सिंगल चार्ज. एक ईयरबड आपको करीबन 4 से 4.5 घंटे चलता है, तो ग्रेट. और 20 घंटे की बैटरी है इसके अंदर, तो 24 आवर्स. हालांकि मैंने इसको जब यूज किया, मैंने सिंगल स्ट्रेच में कभी 4 घंटा यूज नहीं किया, बट डेफिनेटली बैटरी काफी अच्छी है और मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई. लाइक आपने अगर 3 घंटा यूज किया और आपने फिर से रखा आपके केस में, ये चार्ज होना फिर से स्टार्ट हो जाएगा एंड यू लाइक गुड टू गो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी. एंड इसमें नीचे मिलता है आपको यहाँ पे लाइटनिंग कनेक्टर, आप यहाँ पे लगाएं केबल और चार्ज कर लें. एंड देन दिस इज आल्सो अ वायरलेस चार्जिंग सपोर्टेड, तो अगर आप कोई भी चीज सर्टिफाइड वायरलेस चार्जर है आप उस पर रखें और ये चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो ग्रेट, नो प्रॉब्लम देयर एट ऑल. अब बात करते हैं इसके एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के बारे में. देखिए आपको यहाँ पे एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिलता है और आपको साथ में एक ट्रांसपेरेंसी मोड भी मिलता है. सो अगर आप इसको आपने पहना हुआ है एंड देन यू प्रेस इट, हल्का सा यहाँ पे प्रेस सेंटर बटन है आपने दबाया उसको, तो इट गोज टू योर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन और आपके आसपास की आवाज को पूरी हद तक ये ब्लॉक कर देगा. बिल्कुल आपको बिल्कुल ऐसा शांत लगता है. Then you like you can start your meditation. So a great experience. आपके wind noise, आपके AC की आवाज, fan की आवाज सब बिल्कुल block कर देता है. And then if you want to be aware कि आपके आसपास क्या चल रहा है, you just press it back हल्का सा. And then it triggers your transparency mode, और आपके आसपास की आवाज को हल्का सा boost करके फिर आपको सुनाएगा, तो आपको पता रहेगा आपके आसपास क्या हो रहा है. Great implementation which Apple has done. अब अगर आप इस earplug को use करके किसी को call करते हैं तो आपका जो calling experience होना है वो definitely काफी बढ़िया होने वाला है. तो because of that actual ANC आपको आसपास की आवाज बिल्कुल बहुत हद तक क्लियर कर पाएगा और आपको काफी साफ आवाज सुनेंगे सामने वाले की भी, और सामने वाले को भी आपकी आवाज काफी क्लियर जाती है. Now these are also IPX4 rated, मतलब कि आपका स्वेट प्रूफ है, हल्का फुल्का पानी से भी कोई दिक्कत नहीं होगी. तो आई हैव नेवर यूज देम इन लाइक टिपिकल पानी, बट हल्की फुल्की बारिश में यूज किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती. डेफिनेटली काफी अच्छा यहाँ पे एप्पल ने काम किया है. नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हिच इज वेरी गुड इन दिस वन इज द एक्चुअल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस विद द एप्पल प्रोडक्ट. देखिए एक्चुअली आपको यहाँ पे एक सीमलेस एक्सपीरियंस मिलता है. कनेक्टिविटी बहुत ही फास्ट है, मतलब आप इसको बिल्कुल आप लिड को ओपन करें एंड देन इंस्टेंटली कनेक्ट टू योर फोन, आप इसको बिंदास बाहर निकालें आपके कान में लगाएं एंड देन यू रेडी टू यूज योर एंजॉय योर म्यूजिक और आराम से आप यूज करें, कोई भी यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी. और अगर आपने आप इसको लगाया हुआ है एंड यू वांट टू चेक कि आपका ये फिट है परफेक्ट है कि नहीं है, तो यू कैन चेक इट यूजिंग योर मोबाइल फोन विद गुड. और उसके अलावा आप यहाँ पे अगर आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑन करना है या
फिर इसकी मॉड ऑन करना है, आप बल्कि आपके फोन से भी कर पाएंगे, तो डेफिनेटली काफी सीमलेस एक्सपीरियंस है और आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो नाउ एप्पल इज एक्चुअली नोन फॉर ऑल दीज एक्सपीरियंसेस, सो यू विल गोना गेट अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन दिस वन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट म्यूजिक। देखिए इसकी जो कीमत है उसके हिसाब से आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको यहाँ पे म्यूजिक एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया मिले, तो एक्चुअल में इसका म्यूजिक एक्सपीरियंस बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। आई हैव डेफिनेटली नो प्रॉब्लम्स, नो कंप्लेंट्स देयर। तो आपको मिड्स और वोकल बहुत क्लियर मिलते हैं, बेस भी बहुत अच्छा है और इसका वॉल्यूम भी काफी लाउड है, एंड देन विद योर एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन यू विल गोना एक्चुअली एक्सपीरियंस द ग्रेट म्यूजिक इन दिस वन। अब इसके अलावा ये जो एयरपॉड प्रो है ये आपके एंड्रॉइड डिवाइस पे भी काम कर जाएंगे, तो अगर आपके पास कोई एंड्रॉइड डिवाइस है आप उन पे भी इनको कनेक्ट कर सकते हैं, तो वहां पे फंक्शनैलिटी थोड़ी सी कम होगी, मतलब कुछ जगह पे काम नहीं करेगी, बट डेफिनेटली ये वहां पे काम कर जाएंगे। तो इन केस इफ यू आर एन एंड्रॉइड यूजर यू कैन स्टिल ट्राई दिस प्रोडक्ट। अब इसके अलावा बात करें इस प्रोडक्ट के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के लिए, वो चीज जो यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं है, मुझे पसंद नहीं आई, तो टू बी वेरी फ्रैंक मुझे एक्चुअली यहाँ पे कुछ भी डिसअपॉइंटिंग नहीं लगा। दिस इज अ ग्रेट प्रोडक्ट, द ओनली डिसअपॉइंटमेंट आई हैव इज विद द प्राइस। इसकी जो कीमत है वो है करीबन 25,000 रुपये है, और 25,000 रुपये में आपको चाहे कितना भी बढ़िया म्यूजिक मिले, चाहे आपको कितना भी बढ़िया सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन मिले, आपको बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस मिले, बट देन 25,000 रुपीज फॉर दिस earbud is too much, is definitely not a value product, but then if you still have that money and you want to stick to your Apple ecosystem, this is a great product. मतलब definitely मतलब Apple ने यहाँ पे बहुत बढ़िया काम किया है, एंड अगर आपको इसे खरीदना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ चेक कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों मेरे ओपिनियंस इस प्रोडक्ट के बारे में। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल में बने हुए अब तक सब्सक्राइब आपने अभी तक भी नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें वीडियो को, और ऐसे वीडियो के लिए बने रहे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।